Indian athlete Dharun Ayyasamy on Saturday bettered his own national record with a run of 48.80 seconds the men's 400 meters hurdles at the Federation Cup in Patiala. The young athlete had previously set the national record with a 48.96 seconds run during his silver medal winning performance at the 2018 Asian Games in Jakarta. This is the second successive time that the 22-year-old has broken the national record at the Federation Cup. Last year, Dharun had clocked 49.45 seconds, setting a new national record for the first time in his career. I was surprised. Actually, Asian Championship qualifying timing was 50.00. Actually, before 10-15 days, I qualified for the Grand Prix. Asian Championship के लिए qualify तो आराम से हो जाएगा. मैं तो Asian Championship के लिए बारे में नहीं सोचा. World Championship के लिए सोचा था. It was 49.30 था. अभी तो World Championship के लिए भी qualify किया. So I'm happy with my performance and it's ये तो third time I'm breaking my own national record. तो I'm happy. मैं तो first man in India to run sub 49 seconds. तो हैप्पी हमें तो सरप्राइज था. कोच ने बोला हम तो एशियन चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करते फेडरेशन कप तो सिर्फ टीम के अंदर आना था ऐसे बोल के रेस के पहले भी ऐसे बोला था. तो एशियन चैंपियनशिप प्लस वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों के लिए भी क्वालिफाई किया तो आई एम हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस. तो अच्छा था दोनों में क्वालिफाई किया. वो तो कुछ था वर्ल्ड चैंपियनशिप में और भी तो टाइमिंग अच्छा सा है करना इतना ही और कुछ नहीं. अभी स्टार्टिंग से एथलीट थे कि अभी आप कब से अपनी थोड़ा जर्नी बताइए. 8 साल से एथलेटिक कर रहे हैं. अभी 2-3 साल से हर्डल पहले तो 400 टीम में था. 400 टीम में 4x4 रिले में रियो में पार्टिसिपेट किया था. ओलंपिक पार्टिसिपेट किया था 4x4 टीम में. अभी उसके बाद हर्डल्स ट्रेनिंग करके लास्ट एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल. अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया प्लस एज वेल एज नेशनल रिकॉर्ड. तो हैप्पी. दोहा में अप्रैल में आने वाला है एशियन चैंपियनशिप. कैसे ट्रेनिंग चलेगी आपकी, कैसे सीजन चलेगा? ट्रेनिंग पता नहीं कोच के पास से पूछने पड़ेगा. और भी तो स्पीड करना अभी ज़्यादा पिक भी नहीं किया और भी स्पीड ट्रेनिंग किया तो वी विल एक्सपेक्ट मोर परफॉर्मेंस इन एशियन चैंपियनशिप. टेक्निक कुछ चेंजिंग करेंगे? टेक्निक तो नहीं, डे बाई डे बेसिस में तो थोड़ा कुछ गलत है तो कुछ ठीक कर रहे हैं. तो ओलंपिक्स आने वाले हैं, क्या ओलंपिक्स ध्यान रखेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में? पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे. एक्चुअली ओलंपिक्स के लिए 48.90 था. अभी तो 48.80 10 माइक्रोसेकंड्स और भी अच्छा से किया था. ये टाइमिंग मई के बाद किया तो ओलंपिक क्वालिफाई है क्योंकि तो टाइम ड्यूरेशन मई 1 टू नेक्स्ट ईयर जून लाइक दैट. तो ये परफॉर्मेंस रिपीट किया तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिपीट किया तो ऑटोमेटिक ओलंपिक में ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा. तो कोच इट्स डिपेंड्स अपॉन कोच को पता क्या करना. थैंक यू सो मच. वर्ल्ड चैंपियनशिप तो नॉर्मल 49.30 40 लाइक दैट ऐसे था पहले भी. अभी तो ओलंपिक क्वालिफाई थोड़ा ज़्यादा किया था. पिछले बार तो 49.45 था. 2016 रियो ओलंपिक क्वालिफाई 49.45 था. अभी तो 48.90 थोड़ा हाई परफॉर्मेंस है तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड था क्वालिफाइंग टाइमिंग फॉर ओलंपिक्स. अपकमिंग टोक्यो के लिए वही 48.90 था क्वालिफाइंग टाइमिंग. थोड़ा कंपेयरिंग टू प्रीवियस एडिशन ऑफ ओलंपिक्स ये तो थोड़ा हाई क्वालिफाइंग मार्क था.